दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। रोलिंग तो ठीक है, ये 14 घंटे की शिफ्ट 15 घंटे कब तक चलेगी गुरु? आप ही से कह रहे हैं प्रिय दर्शकों, ये सारी शिफ्ट आपके लिए कर रहे हैं, जमाई ले लेके भी वीडियो कर रहे हैं, काहे से कि काम में मज़ा आता है और दूसरा हमको ये भी पता है कि आजकल आप घर पे हैं तो वीडियो ज़्यादा देख रहे हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, बाकी आलस है, थोड़ी देर में चला जाएगा। पानी और पी लेते हैं। ये खबर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेरे सिनेमा के एडिटर गजेंद्र सिंह के हवाले से आई है, उनको लगता है कि आपको बताई जानी चाहिए। एक वेब सीरीज़ है माई सीक्रेट टेरियस, साउथ कोरियाई भाषा की, मतलब कोरियन भाषा की है, साउथ कोरिया में बनी है, अभी बहुत चर्चा में है, इंटरनेट पर इसके कई वीडियो घूम रहे हैं और जो भी देख रहा है वो डर रहा है। डर किससे भागता है? ज्ञान से, जानकारी से। कौन देगा जानकारी? आपका ललन टॉप। सबसे पहले बात तो ये कि ये सीरीज़ कहाँ है, नेटफ्लिक्स पर है, लेकिन अभी इंडिया के दर्शकों के लिए नहीं है, दूसरे देशों के नेटफ्लिक्स में उपलब्ध है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसके जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उनमें कोरोना वायरस का जिक्र है। आपने सही सुना, कोरोना वायरस का जिक्र है। तो उससे क्या हो गया? हुआ ये है कि हम में से अधिकतर ने कोरोना का नाम 2020 में सुना, जब इस महामारी से हज़ारों लोगों की जान गई, दुनिया ठप हुई, जबकि ये सीरीज़ 2018 में आई थी। फिर इसमें कोरोना का जिक्र कैसे आ गया? क्या इस सीरीज़ वालों ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था? क्या कोई साजिश चल रही थी जिसके बारे में इन्हें जानकारी थी हमें नहीं? एक उदाहरण देकर समझते हैं। इस सीरीज़ में एक डॉक्टर कहती है कि किसी ने कोरोना वायरस को छेड़छाड़ करके ऐसा कर दिया है कि मृत्यु दर 90% तक हो जाए। एक सीन है जिसमें ये पूरी बातचीत है। ये बातचीत माई सीक्रेट टेरियस के पहले सीज़न के 10वें एपिसोड में है, 53वें मिनट के बाद। एक लेडी डॉक्टर है, एक लड़की है। डॉक्टर उस लड़की को कुछ कागज़ देती है, कहती है हमें इस पर ज़्यादा रिसर्च करनी चाहिए, ये म्यूटेंट कोरोना वायरस जैसा लग रहा है। युवती हैरान होकर पूछती है कोरोना? तो फिर एम ई आर एस बोले तो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसको आपने मर्स के नाम से सुना होगा। एक SRS भी है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसे आपने SARS के नाम से सुना होगा। डायलॉग पर लौटते हैं। डॉक्टर कहती है मर्स हो या SARS, ये आम फ्लू होते हैं, सब एक ही जीन वाली फैमिली से आते हैं। कोरोना वायरस हमारी सांस लेने वाली पूरी प्रणाली पर हमला करता है। 2015 की मर्स महामारी के दौरान मरने की दर 20% थी। लड़की पूछती है लेकिन वो इतना गंभीर नहीं है ना कि उसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए? तो डॉक्टर बोलती है जैसे कि मैंने कहा, ये एक म्यूटेंट वायरस है, किसी ने इसके साथ छेड़छाड़ की है ताकि इसमें मरने वालों की दर को 90% तक बढ़ाया जा सके। इस सीन के अलावा सीरीज़ में और भी कोई रेफरेंस है क्या कोरोना का? सीरीज़ में दिखाए वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड भी 2 से 14 दिन का है। इसमें इस वायरस को बायोकेमिकल हथियार की तरह इस्तेमाल करते दिखाया गया है। वायरस के साथ लैब में कुछ छेड़छाड़ की गई है जिससे उसके लक्षण किसी के संपर्क में आने के 5 मिनट के भीतर दिखाई देने लगते हैं। मौत भी जल्द होती है, डॉक्टर्स कार्ड ढूंढने में लगे हैं लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। ये तो हुई सीरीज़ और वायरल वीडियो की बात। सत्य क्या है? सत्य ये है कि हमने इस वायरस का नाम पहली बार सुना, लेकिन कोरोना जो फैमिली है वायरस की वो पुरानी फैमिली है। हमने COVID-19 जो बीमारी होती है और उसका जो ये वाला वायरस है जिससे COVID-19 होती है, इसके बारे में पहली बार सुना। कोरोना वायरस से जुड़ा आउटब्रेक 18 साल पहले भी हुआ था, तब वायरस दूसरा था, अगेन इसी फैमिली का था। 2002 में चीन में ऐसा हुआ था, बाद में भी होता रहा, मिडिल ईस्ट में हुआ, मर्स का हमने जिक्र किया क्योंकि कोरोना वायरस एक बड़ा वायरस परिवार है। 2020 में जो कोरोना हम देख रहे हैं वो उस फैमिली का लेटेस्ट मेंबर है, इसलिए हैरानी की बात बिल्कुल नहीं है कि 2018 की सीरीज़ में कोरोना शब्द कैसे सुनाई दे गया। फिर आपने उस किताब का तो सुना ही होगा, 12वीं की या 10वीं की किताब जिसमें कोरोना का जिक्र है और दवाई भी लिखी है। ऐसे में कोरोना फैमिली के बारे में सीरीज़ के राइटर्स ने सोचा और एक काल्पनिक कहानी गढ़ के थ्रिलर गढ़ने की कोशिश की। इसलिए आगे से आप कोई वीडियो देखें जिसमें पहले से कोरोना का जिक्र हो तो कंस्पिरेसी थ्योरीज़ को ना पालने लगें, साइंटिफिक अप्रोच रखें। अगर आपको आउटब्रेक या महामारी पर कुछ सच्चाई देखनी है तो कंटेजन देखें, स्टीवन सोटरबर्ग की फिल्म है जिसने पिछले कुछ वक्त में कई दर्शक, नए दर्शक अपनी तरफ खींचे हैं।
ये भ्रम दूर करती है, भ्रम में डालती नहीं है। हमने वायरस के आउटब्रेक पर जो फिल्में बनी हैं उन पर एक स्टोरी की है, आप वेबसाइट पर देख सकते हैं, यूट्यूब पर उसका वीडियो भी देख सकते हैं। आप कहेंगे वो स्टोरी कैसे खोजें, तो हम ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में उस स्टोरी का लिंक दे देते हैं। बाकी देखते और पढ़ते रहिए दी ललन टॉक।